हम जानेंगे नालको शेयर को लेकर हमारे बाजार के स्पॉट्स। और इनके पास है नालको के 200 शेयर 110 रुपए के भाव पर। नालको इस पर आप ही व्यू दीजिए रवि, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 110 की खरीद है इस वक्त, 84-85 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये अच्छी चीज़ ये है कि लोअर लेवल से थोड़ा सा भी ये रिकवरी के साइंस दे रहा है। नालको आपके हिसाब से भी समय देना चाहिए इसको? अभिषेक जी, बिल्कुल समय देना चाहिए। और मैंने आपके यहाँ पे वीआईपी स्टॉक्स में भी इसको 2 हफ्ते पहले, जब ये 77-78 रुपए का चल रहा था, तब रिकमेंड किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें जो ये लेवल्स है, ये भी अट्रैक्शन के लिए काफी अच्छे हैं। 108 का लक्ष्य 1 साल के आसपास का है, यानी कि 3 से 6 महीने, 6 महीने का देखते हैं तो लगभग 95 और 100 रुपए के पास आ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि नेशनल एल्युमिनियम के फंडामेंटल काफी हद तक जो है वो स्ट्रांग होते हुए नजर आए। लोअर साइड पे भी अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से जो है वो भी अच्छा हुआ। और जो ऊपरी लेवल से करेक्शन आया वो भी यहाँ पर जो है वो अट्रैक्शन वैल्यूएशन बाइंग को दे रहा है, क्योंकि अब काफी हद तक जो है 100, आपने जब लास्ट हाई देखा था, रिसेंट हाई अगर देखते हैं तो वो 130 का था। स्टॉक अच्छा करेक्ट हो चुका, प्रॉफिटेबिलिटी जो कम हुई उसका इंपैक्ट आ चुका, तो अब यहां से करेक्शन के लिए थोड़ा कम है, तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। इनफैक्ट नए इन्वेस्टर को भी यहां पर 75 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। टारगेट वही 100 रुपए और दूसरा टारगेट 110 रुपए। ठीक है, 100 रुपये, 110 रुपये का टारगेट नालको के लिए, 75 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए। आज